हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, लेकिन वो क्या है तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्नाइजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि गूगल असिस्टेंट होता है एंड्रॉइड पे, उसी तरह से सीरी होता है एप्पल पे, तो इसी तरह से हम अपना खुद का बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए पहले हमें उसे इंस्टॉल करना है। हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं तो ये मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम पिप इंस्टॉल पे जाएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल pyttsx3। तो दोस्तों ये कौन सी लाइब्रेरी है, तो ये आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। ये एक मॉड्यूल है जो पाइथन में यूजफुल होता है, मेरे में ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड है, आप में वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें pyaudio नाम का एक मॉड्यूल है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा वो इजीली इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए मुझे pyaudio.whl फाइल को एक्सटेंशन फाइल्स को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, आपको बहुत इजी है इसे डाउनलोड करना। pyaudio यहाँ की अगर कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको नहीं पता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। पाइथन क्लब नाम का एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये वाला मॉड्यूल फिक्स्ड रहेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड किया है, अब मैं डाउनलोड्स पे जाके उस फाइल को मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लिया और मैं इसे मेरे जो ट्यूटोरियल्स नाम का फोल्डर है जहाँ पे मैंने मेरा प्रोजेक्ट सेव किया है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इसके नाम को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा पिप इंस्टॉल और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद .whl लिख के यहाँ पे इज नॉट अ वैलिड विल फाइल नेम, यहाँ पे शायद ये नेम को थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं वापस उसे करना पड़ेगा। उसको रीनेम करने की बजाय कॉपी करने के बाद .whl ही लिखा है, शायद ये वन है इसलिए नहीं आ पा रहा है, इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ क्या है नाम में कुछ गलती हुई होगी शायद, इसलिए आपको तो एक बार ही डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे में दो बार हो चुका है। इसको मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूँ इंस्टॉल पेस्ट .whl। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्टॉल हो चुका है, आप में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथन कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे इंपोर्ट pyttsx3 और उसके बाद मैं क्या करूँगा एक इंजिन नाम का वेरिएबल लूँगा, इंजिन इक्वल्स टू pyttsx3.init और उसके अंदर मैं लिखूंगा सेपीफाई। तो ये सेपीफाई क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ नेचुरल वॉइस का एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हमें इनबिल्ट कई सारे वॉइसेस मिलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सेपीफाई में कौन कौन से वॉइसेस दिए हुए हैं। वॉइसेस इक्वल्स टू इंजिन, यहाँ पे गलती कर दी, इंजिन डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं गेट प्रॉपर्टी का यूज करके वॉइसिस, यहाँ पे नहीं आ रहा है, हाँ वॉइसिस। उसके बाद मैं लिखूंगा कि हमें वो अगर गेट प्रॉपर्टी मिल चुकी है, अब मुझे उसमें से प्रॉपर्टी को सेट करना है। पहले हम प्रॉपर्टी को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें से कौन सा सेट करना है वो सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वॉइस कॉमा, मुझे वॉइसिस में से जिसका आईडी 1 है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.id
अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे में शायद दो ही वॉइसिस अवेलेबल है। आपको अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो आप यूट्यूब या गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉइसिस जीरो और वॉइसिस वन दोनों को प्रिंट करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ टर्मिनल पे गया और टर्मिनल पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पाइथन स्टूड वन डॉट पी वाई। यस, ये देख सकते हैं आप, नेम इक्वल्स टू माइक्रोसॉफ्ट डेविड, ये देखिए उसका डेविड है और यहाँ पे जो इसका आईडी वन है उसका नाम जीरा है, यानी कि ये जो है वो एक लड़की है और ये जो है वो बॉय है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं किस तरह से करना है। अब यहाँ पे हमें उसके पास बुलवाना है कि भाई एक हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि जिससे वो बोल सके। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डिफाइन स्पीक और उसके अंदर लिखूंगा ऑडियो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंजिन को बोलेंगे कि आप भाई बोलिए जरा सा हमारे लिए, इंजिन डॉट से क्या तो कहे ऑडियो। तो आप देख सकते हैं इंजिन डॉट से ऑडियो और उसके बाद हम लिखेंगे कि इंजिन भैया डॉट रन एंड वेट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो चीज लिखी हुई है कि इंजिन डॉट से ऑडियो, इंजिन डॉट रन एंड वेट। तो ये क्या करेगा कि पहले उसके पास बुलवाएगा और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेगा। चलो हमारा एक फंक्शन तो बन चुका है स्पीक नाम का। हमने फंक्शन इसलिए क्रिएट किया कि बार बार हमें उसको ये ना कहना पड़े कि भैया बोलो बोलो, हम सिर्फ इतना लिखेंगे स्पीक और ऑडियो के अंदर हम यहाँ पे स्पीक का गलत मिस्टेक हो गया जरा हाँ, और इसके अंदर हमें बुलवाना है कि हाय हाउ आर यू। तो ये आपको पूछेगा कि भैया क्या हालचाल है, तो ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा और उसके बाद ये बोलेगा और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेगा। मैं यहाँ पे फिर से टर्मिनल पे जाके आपको उस पर देखा देता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कुछ गलती कर दी और यहाँ पे मैं कॉलन करना भूल गया था तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो उसके बाद मैं फिर से रन करने की ट्राई करता हूँ, FNF5 किया। Hi, how are you? आप देख सकते हैं उसने पूछा हमसे कि किस तरह से कि आप अच्छे हो या नहीं हो। फिर से मैं पूछता हूँ Hi, how are you? यहाँ पे एक जीरा नाम की जो इनबिल्ट लड़की है उसके बजाय हम अगर डेविड के पास बुलवाना चाहिए तो यहाँ पे हम वॉइसिस और आईडी में जीरो कर देंगे। फिर से हम रन करते हैं Hi, how are you? तो आपने देखा कि किस तरह से जीरा और डेविड दो में से आप जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसका वो रिप्लाई करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।